नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने को है। इसको लेकर जहां तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने आज एक नया गठबंधन का ऐलान किया है जिसका नाम है PDA। उसके तहत 4 पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर अलायंस किया है और उन्होंने साफ तौर पर आज पप्पू यादव ने कहा है कि हम उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस और चिराग पासवान को भी निमंत्रण देते हैं कि हमारे अलायंस में आए और बिहार को सवारे। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। आप बताएं, यही प्रश्न, सेम क्वेश्चन, हम ला नहीं रहे हैं। बातचीत हुई है सर, सबसे बातचीत हो रही है और होगी, और भी बड़ा गठबंधन हो कि मेरे सामने कोई नहीं। और वो खुद ही ऐश्वर्या का सहारा लेते हैं, रामलखन सिंह जी के पोते का सहारा लेते हैं, खुद ही वो रघुवंश बाबू का सहारा लेते हैं, लाश पर राजनीति करने की फितरत नीतीश बाबू की है। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को सदन में, राज्यसभा में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद वोटिंग का राइट नहीं लिया, और उसको भी तो नीतीश कुमार बताएंगे ना कि गुजरात में बिहारियों को क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और कोरोना वायरस में बिहारियों को कितना पीटा गया था। इनको याद आ जाता है सुशांत और लोग, और लेकिन नीतीश कुमार जी को सड़कों पर पीट पीट करके दिल्ली और गुजरात से बिहारियों को भेजा गया, ये याद नहीं आता है। इतनी बेशर्मी भी कोई चीज होती है क्या? राजनीति के लिए इतना, जहां पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई नहीं है भैया, जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं, ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं, ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। जुल्म तो सत्ता बैठे लोग, इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और किसी को कुछ जी, सीटें का स्पष्टीकरण हम सबके बीच हो चुका है, आप चिंता ना है, और बेइज्जत कर रहा है। तो मैंने यह कहा ना कि कांग्रेस यदि आगी और बेइज्जत नहीं होना चाहेगी तो मेरा दिल उनके लिए भी बड़ा है। मैं ये बोला ना आपको, काहे का किंग मेकर भैया, मैं तो बिहार का सबसे बड़ा सेवक हूँ। अब पॉजिटिव लोगों से मिलते मिलते मर नहीं रहा हूँ, इसी की चिंता है मुझे। यदि जो मरने से ना घबराए उसको किंग मेकर कहे, किंग मेकर तो यहाँ बैठे हैं लोग। पप्पू यादव जैसे वर्कर को किंग मेकर क्यों बनाते हो भैया? बिहार का बड़ा उपेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं, आप उपेंद्र बाबू का मीडिया से ले लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि उपेंद्र बाबू अच्छे लीडर हैं, मैं स्वागत कर। कोई सत्ता की लड़ाई NDA और UPA के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि निश्चित को नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में BJP सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर, BJP ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतनराम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है, उसमें BJP की भूमिका। और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी BJP की ही भूमिका, मतलब BJP गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करती। ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के, इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था, चुन चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर, और आज उनके ही फेस पर BJP चाहती है लड़ना, मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा, बिहारी और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा,
इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, शरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता, उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन, हम चाहेंगे जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का गगन फूट चुका है, 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला 2 गठबंधन। तो आपने सुना साफ तौर पे पप्पू यादव का कहना है कि हमने उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत की है और चिराग पासवान से भी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पप्पू यादव यह दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।